हेलो फ्रेंड्स, आज हम अरबी के पत्तों से दो डिश बनाएंगे। एक तो क्रिस्पी पकौड़े और दूसरी उसकी सब्जी। दोनों ही डिशेस बहुत स्वादिष्ट बनती हैं, तो आइए देखते हैं इनको कैसे बनाते हैं। पकौड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 8 to 10 अरबी के पत्ते, 1 whole उड़द की धुली हुई दाल, इसको मैंने रात भर पानी में सोख किया हुआ है, 1 spoon हल्दी पाउडर, 1 spoon धनिया पाउडर, 1/4 spoon रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 spoon गरम मसाला, 1/4 spoon हींग पाउडर, 1/2 spoon जीरा, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट और फ्राई करने के लिए मस्टर्ड ऑयल। सबसे पहले हम ग्राइंडिंग जार में सोख की हुई दाल को डालेंगे और सभी मसाले भी इसमें ऐड कर लेंगे। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हींग पाउडर, रेड चिली पाउडर, जीरा और सॉल्ट। अब इसको ग्राइंड करके एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। देखिए हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। अब हम इसको एक बोल में निकाल लेंगे। पकौड़े बनाने के लिए हम अरबी के पत्ते को इस तरह से फैलाएंगे और इस पर दाल का पेस्ट लगा देंगे। अब हम इसमें दूसरा पत्ता लगाएंगे और इस पर भी दाल का पेस्ट लगा लेंगे। अब हम एक पत्ता और लगाएंगे और इसको भी दाल से कवर कर लेंगे। इस पर मैंने 5 पत्ते लगाए हैं और इन सबको दाल से कवर कर लिया है। अब हम इनकी साइड्स को थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे और इस पर भी दाल का पेस्ट लगा लेंगे। अब हम इसको रोल बना लेंगे। इसके साइड्स पर थोड़ा सा पेस्ट लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से चिपका रहे। एक रोल हमारा तैयार हो गया है। हम इस तरह से अपने बाकी रोल तैयार कर लेंगे।
रोल हमारे तैयार हो गए हैं, अब हम इनको स्टीम करेंगे। इसके लिए हम कढ़ाई में एक गिलास पानी बॉईल करेंगे, इसमें एक जाली रख देंगे। अब इस पर बने हुए रोल को रख देंगे। अब इसको 15 मिनट के लिए कवर कर देंगे। फिफ्टीन मिनट्स हो गए हैं, देखिए रोल हमारे अच्छे से स्टीम हो गए हैं। अब हम इनको निकाल कर ठंडा कर लेंगे। हम इनके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। देखिए स्टीम किए हुए पकौड़े हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम इनको डीप फ्राई करेंगे। कढ़ाई में हम मस्टर्ड ऑयल गरम करेंगे और फिर एक एक पकौड़े करके डाल देंगे। पकौड़े हमारे एक तरफ से फ्राई हो गए हैं, अब हम इन्हें दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। पकौड़े हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है और बहुत ही क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। लीजिए तैयार है गर्मा गर्म क्रिस्पी पकौड़े। इनको ग्रीन चटनी के साथ सर्व करें। अब हम इन्हीं पकौड़ों की सब्जी बनाएंगे। इसके लिए हम कढ़ाई में ऑयल को गर्म करेंगे, हींग डालेंगे, जीरा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला। अब इसको थोड़ा सा भूनेंगे। अब इसमें अपने पकौड़े भी डाल देंगे। थोड़ा सा भूनने के बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। अब इसमें एक ग्लास गरम पानी डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 15 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे। देखिए सब्जी हमारी अच्छी तरह पक गई है। अब हम इसको सर्व कर लेंगे। लीजिए तैयार है अरबी के पत्ते के पकौड़ों की सब्जी। दोनों ही डिशेस बहुत ही टेस्टी बनी हैं। आप इनको राइस और चपाती के साथ सर्व करें और अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर करें।